दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवेक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रेडमी ने लॉन्च कर दिया रेडमी 7A, जिसका बहुत सारे लोग बहुत पहले से वेट कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये रियलमी C2 को टक्कर देगा नहीं देगा, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। और कैसा आया स्मार्टफोन उसी के बारे में बताऊंगा, क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं, जिस प्राइस पे आया है, और देखेंगे स्मार्टफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कि नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी हो गई, आज सुबह से मुंबई में बारिश थी तो भीग गया हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ी सी सर्दी हो गई, तो उसके लिए माफ़ कर देना। डिज़ाइन और डिस्प्ले से शुरू करते हैं दोस्तों। 5.45 इंच का वही पुराना वाला 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है, HD प्लस का है, 720x1440 का रिजोल्यूशन है, कुछ 75% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 292 PPI का पिक्सल डेंसिटी है, अच्छा स्मार्टफोन है। बैक साइड पे आपको प्लास्टिक दिया हुआ है, सिंगल कैमरा है, अच्छा है कैमरा, ब्रांडिंग है रियलमी की, और वही जैसे मैंने कहा पुराना वाला 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, तो कोई नॉच वॉच नहीं इसमें, एक पुराने टाइप का डिस्प्ले दिखता है 5.45 इंच का, तो अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है। लेकिन आज के टाइम में जितने भी डिज़ाइन और डिस्प्ले के हिसाब से देखो, जैसे रियलमी C2 है, उसके बाद सैमसंग का M10 आया हुआ है, ये सारे स्मार्टफोन अच्छे दिखते हैं। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन की बात करोगे, अगर आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए तो अच्छा है, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे उतना नहीं जमा दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट लोग परफॉर्मेंस के लिए बोल रहे थे, स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर है, अच्छा है, खराब नहीं है। रियलमी C2 से लोग टक्कर कर रहे थे कि उसमें हीलियो P22 का है तो उसको टक्कर दे पाएगा नहीं, तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा अच्छा ही आप मान लो, क्योंकि इसके अंतुतु के जो स्कोर्स हैं दोस्तों 85,000 तक जाते हैं। किम बोली करके एक वेबसाइट है, उस पर अगर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका कुछ 85,000 तक जाता है, जबकि रियलमी C2 का अगर देखोगे तो वो करीब करीब 78,000 के आसपास तक जाता है P22 का, तो ठीक है, और परफॉर्मेंस डेली यूजेस के लिए ठीक है। प्रोसेसर की बात कर ले, जैसे 439 का है तो ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, इसमें 8 कोर है, 12 NM पे बेस्ड है, यानी आपको बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिल जाएगी। देन उसके बाद इसमें से 2 कोर जो है दोस्तों वो 2 GHz पे क्लॉक्ड हैं, बाकी 6 कोर जो है 1.45 GHz पे क्लॉक्ड हैं, सारे कोर्स कोर्टेक्स A53 वाले हैं तो ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। देन एड्रीनो 505 के साथ आते हैं तो गेमिंग के लिए ठीक ठाक है, बहुत हैवी गेमिंग तो नहीं खेल सकते, पबजी के लिए आप बजट बढ़ाओ इसमें तो नहीं खेल सकते उतना अच्छा, लेकिन स्टिल लाइटर गेम होंगे तो उनके लिए अच्छा प्रोसेसर है, प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, एंड जिस प्राइस पे आया उस प्राइस के हिसाब से ठीक है। देन उसके बाद इसमें एंड्रॉइड 9 Pie आता है जो कि MIUI 10 पे आता है, एंड ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, एंड अगले 2 अपडेट्स भी आ जाएंगे, जैसे Xiaomi बोलता है कि 2 अपडेट्स देता है, तो एंड्रॉइड 10 और 11 का वेट कर सकते हो, अभी तो नहीं आएंगे लेकिन जब भी आएंगे तो मिलेंगे, तो अच्छा है, जिस प्राइस पे आया उस हिसाब से स्नैपड्रैगन 439 एक अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। हाईलाइटिंग फीचर है कैमरा, क्योंकि मनु कुमार जैन बहुत टाइम से हाईलाइट कर रहे थे कि कोई ऐसा अपडेट देने वाली है, मैसिव अपडेट अपग्रेड जो कि आपको Redmi Note 7 में मिला था और Mi A2 में मिला था, वही कैमरा ये 12 MP का सोनी का MX486 का सेंसर है, अच्छा सेंसर है, F2.2 का अपर्चर है, एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आपको 1.25 माइक्रोन पिक्सल का सेंसर मिलेगा, एंड 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, एंड HDR फोटोग्राफी जो भी है सब बुके पन्नुमा सब कुछ मिल जाएगा इसमें, प्रॉब्लम नहीं है। देन फ्लैश मिलता है रियर साइड पे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 5 MP का कैमरा है, ठीक दिया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आप 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो, एंड बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें, HDR है। तो कैमरा की बात करोगे तो मेरे हिसाब से कैमरा अप टू द मार्क है, और जिस प्राइस पे आया है सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन में इसको आप काउंट कर सकते हो दोस्तों। बैटरी की बात करें तो मैसिव बैटरी दी है 4000 mAh की, इस बजट के हिसाब से ठीक है 4000 mAh। उसके साथ साथ सपोर्ट आपको इसमें 10W के चार्जर का है, लेकिन चार्जर जो मिलता है सिर्फ 5W का मिलता है, तो 5V एट 2M का सपोर्ट है, अगर आपके पास 10W का चार्जर है उसे चार्ज कर सकते हो, लेकिन जो चार्जर आता है आउट ऑफ द बॉक्स वो आपको 5W का ही मिलता है, तो ठीक है। एंड USB 2.0 है तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, टाइप सी एक्सपेक्ट करते हो 6000 में, अभी तो नहीं, और यहाँ पे भी कोई कॉन नहीं है दोस्तों, ठीक है, एवरेज है, जिस हिसाब में आती हैं सारी चीज़ें वही चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं दोस्तों। सेंसर्स एंड अदर्स की बात करें तो आपको 3.5 mm जैक मिलता है, एंड बाकी सारी चीज़ें हैं। सेंसर्स में आपको इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और कॉम्पास मिल जाता है, बाकी और कुछ जायरोस्कोप पेरिस्कोप नहीं मिलता इसमें, तो ठीक है, वो सब एक्सपेक्ट मत करना। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं है, फेस अनलॉक काम करता है, इस बजट के हिसाब से ठीक ठाक जो सेंसर जरूरी है वो मिल जाते हैं इसमें। एंड अदर्स की बात करें तो इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी भी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ दिया हुआ है। 2 साल की वारंटी नॉर्मली 1 साल की मिलती है, यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी मिली हुई है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा काम किया हुआ है दोस्तों।
10 स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग की बात कर लें तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है जिसको 256 GB तक एक्सपांड कर सकते हो, तो अच्छी चीज़ है। दो सिम कार्ड के साथ एक SD कार्ड लगा सकते हो। वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करें तो दो वेरिएंट आए हुए हैं। पहला है एक 2 GB 16 GB का जिसका प्राइस 6000 रुपये है, एंड तीसरा है 2 GB 32 GB का जिसका प्राइस 6200 रुपये है। लेकिन 11 जुलाई से मिलना चालू होगा, और अगर आप जुलाई में ही खरीद लेते हो तो इन दोनों पे आपको कुछ 200 से 300 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। यानी जो 2 GB 16 GB वाला है वो आपको 5800 में मिलेगा, और जो 2 GB 32 GB वाला है वो 6000 रुपये में मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी डील है। और अगर किसी को गिफ्ट करना है तो ये स्मार्टफोन एक अच्छा डील हो सकता है दोस्तों। अच्छा है 7A, मुझे लगा था, वैसे चाइना में भी उसी पे लॉन्च हो गया था, तो पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कुछ नए डिज़ाइन के साथ अगर लेकर आते तो अच्छा होता था, लेकिन वही 18:2 का एक्सपेक्टेशन दिया है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं दोस्तों। तो अगर आप Redmi के फ़ोन हो, एक अच्छा कैमरा चाहिए, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए दोस्तों, और 2 साल की वारंटी चाहिए, तो आप इस फोन को ले सकते हो। अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ खराब है, भाई डिज़ाइन का ही थोड़ा सा हो गया था मेरे हिसाब से, और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अगर पापा मम्मी को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो स्मार्टफोन, तो उनके हिसाब से बहुत अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। स्मार्टफोन कैसा है जरूर बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पसंद आया तो फिर से लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैठे में, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो दोस्तों। सर्दी बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत कट्स आए होंगे बीच में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।